यूनाइटेड नेशंस जो है उसे अपने चार्टर के अंडर वो ऑथराइज्ड है कि वो कुछ एक तरह की मेजर्स ले सकता है, यानी कि कुछ एक तौर तरीकों को अपना सकता है वर्ल्ड वाइड पीस यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए वो कुछ एक जो पैमाने हैं, कुछ एक मेजर्स जो हैं उनको फॉलो अप कर सकता है। तो इन मेजर्स के अंडर इसे ऑथराइज किया गया है कि ये अपने मेंबर्स को बुला सकता है एंड ये उनको ये मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए कह सकता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ कह सकता है कि उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, उसके साथ कोई लेन देन नहीं करना है। वही चीज यहां पर की जा सकती है, ठीक है। एंड उसे हम कहते हैं कंट्रीज अंडर एम्बार्गो। तो यहां पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने कई नेशंस के खिलाफ जो है सैंक्शंस भी दिए हैं, कई तरह के रेजोल्यूशंस भी पास किए हैं एंड दो तरह के स्पेसिफिक रेजोल्यूशन भी दिए गए हैं रिगार्डिंग द काउंटरिंग ऑफ टेररिज्म, कि हमने टेररिज्म को किस तरह से काउंटर करना है, टेररिज्म एक्टिविटीज को किस तरह से काउंटर करना है, किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी अलग से जो सैंक्शन है वो दी जा सकती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी है वो इस तरह के सैंक्शन देता है, ठीक है। तो इस तरह की मेजर्स के तहत ही स्पेसिफाइड आर्म्स एम्बार्गो भी लग सकता है कि किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जाएगी, बैन ऑन ट्रैवल हो सकता है, एसेट फ्रीज हो सकते हैं, ट्रांसफर फ्रीज हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कंट्रीज अंडर एम्बार्गो, यानी कि जिन कंट्री का नाम इसमें शामिल होगा दैट आर कॉल्ड कंट्रीज अंडर एम्बार्गो। नेक्स्ट इट इज कंट्रीज अंडर सैंक्शन बाय यूएस यूके ईयू। तो जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अपने क्या है रिव्यू सिस्टम है, उनका अपना रिव्यू सिस्टम है, यानी कि वो खुद ही क्या करते हैं जांच पड़ताल करते हैं, अपने हिसाब से ही सैंक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं। जैसे यूएन जो है वो सैंक्शंस को इम्पोज करता है ना, उसी तरह से कई कारणों के कारण जिससे में टेररिज्म भी है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो अपने खुद के रिव्यू सिस्टम बना रखे हैं और उसके हिसाब से वो सैंक्शंस को इम्पोज भी कर सकते हैं। एंड जो मेजर सैंक्शंस की जाती हैं उनके द्वारा उसमें कौन कौन से शामिल है, यूएसए शामिल है, यूके शामिल है एंड यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो ये जो सैंक्शंस रहती हैं ये किसी कंट्री के जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं एंड जो एंटरप्राइजेज हैं उनको बाइंड करती हैं, ठीक है, उनको भी बाइंड करती हैं, साथ ही साथ जो दूसरी कंट्री में उनकी अपने सिटीजन रह रहे हैं या फिर जो उनकी एंटरप्राइजेज हैं जो दूसरी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी ये इफेक्ट डालती है। लाइकवाइज यूके की कोई ब्रांच है बैंक की, लेट अस से कि एक्स वाई जी बैंक है यहाँ पर यूके का एंड उसकी यहाँ पर एक ब्रांच है यूएसए में, तो यहाँ पर जो ये ब्रांच है बाहर के बैंक की भी इसको यूएसए के जो रूल्स हैं यानी कि जो यहाँ की सैंक्शंस हैं उनको मानना पड़ेगा, इन सैंक्शंस को अपने ऑपरेशंस में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो वो रिस्ट्रिक्शन को मानना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ करने को मना किया गया वो चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि इसे पेनलाइज ना किया जाए, ठीक है। एंड फर्दर ये अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो यूएसए में हैंडल कर पाए। नाउ लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द यूएसए सैंक्शंस। तो जो ओएफएसी है दैट इज ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड कंट्रोल, जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है एक, सो ओएफएसी क्या है, ये एक डिपार्टमेंट है यूएस ट्रेजरी का, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड कंट्रोल। तो इसने बहुत से सैंक्शंस जो हैं एंड एम्बार्गोज जो हैं उनको एडमिनिस्टर किया है। तो यूएस सैंक्शंस की तीन मेजर कैटेगरी हैं, तो ये तीन कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी आती है रिगार्डिंग दी कॉम्प्रीहेंसिव सैंक्शंस प्रोग्राम। तो कॉम्प्रीहेंसिव सैंक्शन प्रोग्राम में क्या रहता है, यहां पर करेंटली चार कंट्रीज को कवर किया गया, जिसमें जो कंट्रीज कवर्ड हैं दोज आर ईरान, सीरिया, सूडान एंड क्यूबा। तो ये चार कंट्रीज यहां पर कवर्ड हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत प्रैक्टिकली कोई भी ट्रांजैक्शन इनके साथ नहीं की जाती है एक्सेप्ट जिन्हें परमिट किया गया है अंडर द जनरल लाइसेंस, और या फिर जिन्हें स्पेशल परमिशन के थ्रू परमिट किया गया अथॉरिटी के द्वारा। उसके अलावा इन कंट्रीज के साथ जहां पर ये सैंक्शन लगा हुआ कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन प्रोग्राम है वहां पर कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं परमिटेड है। नेक्स्ट इट इज सेक्टोरल सैंक्शंस प्रोग्राम्स, यानी कि कुछ एक सेक्टर्स को लेकर, कुछ एक सेक्टर्स को लेकर या कुछ एक सर्टेन एक्टिविटीज को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस यहां पर तो जैसे पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्शन थी ना, यहां पर कुछ एक सेक्टर्स को लेकर, कुछ एक एक्टिविटीज को लेकर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। सो कोई भी जो ट्रांजैक्शन है जो रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर से लेकर है, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी से लेकर है, वो परमिटेड नहीं है।
बाकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एज यूजुअल की जाती हैं। थर्ड जो कैटेगरी है, दैट इज नॉन कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन प्रोग्राम्स। तो यहां पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है। पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, यानी कि जो आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल है या फिर कोई आइडेंटिफाइड एंटिटी है उसके रिगार्डिंग कंसर्न कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, जिनका नेम यहां पर शामिल किया गया है, यानी कि खास करके जो लिस्ट रहती है एसडीएन की, एसडीएन लिस्ट रहती है। एसडीएन क्या है? दिस इज स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर प्रोहिबिशन है, अदरवाइज कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इसके अलावा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन के अलावा, जो मेनली कंट्रीज हैं जो यहां पर यूएस सैंक्शन के अंडर आती हैं वो कौन सी हैं? रशिया है, वेस्टर्न बलकान्स है, रीजन्स हैं, बेलारूस है, म्यांमार है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इराक है, लेबनन है, लिबेरिया है, लीबिया है, नॉर्थ कोरिया है। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं। नाउ लेट अस लुक एट द यूके सैंक्शंस। यूके का एंड ईयू का, यूरोपियन यूनियन का, दोनों का ही सैंक्शन है। किस चीज को लेकर? एम्बार्गो है इनका, यानी कि किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी है। आर्म्स एम्बार्गो, यानी कि हथियारों को लेकर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी है। इसके साथ काफी कंट्रीज का, यूके का भी एंड यूरोपियन यूनियन दोनों का ही है। इसके अलावा यूके का कई कंट्रीज के लिए ट्रेड सैंक्शन भी है। देयर इज अ ट्रेड सैंक्शन आल्सो। जब यहां पर सैंक्शन की बात करते हैं ना, सैंक्शन उस चीज के रिगार्डिंग नहीं कि किसी के साथ हम काम कर सकते हैं, सैंक्शन उसके रिगार्ड में जिसके साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ एक कंट्रीज है जिनके साथ ट्रेड एक्टिविटीज को रोका गया है। लाइकवाइज लेबनान, सीरिया है, ईरान है। इसके अलावा यूके भी इंडिविजुअल लेवल पर भी सैंक्शन करता है, इंडिविजुअल लेवल पर, एंटिटीज लेवल पर, जिनका नेम लिस्ट में मेंशन हो, यानी कि जो लिस्ट बनाई जाएगी। एंड ये लिस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? एचएमटी के द्वारा ये लिस्ट बनाई जाती है। एचएमटी क्या है? दिस इज हर मैजेस्टीज ट्रेजरी। तो इसके द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती है एचएमटी के द्वारा, उसमें जो एंटिटीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका नाम शामिल है, उनके साथ ट्रेड एक्टिविटी नहीं की जाएगी, उनके रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन है उस पर रिस्ट्रिक्शन है। नाउ लेट अस लुक एट द यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस। तो यूरोपियन यूनियन का मैंने आपको बताया कि बहुत सी कंट्रीज के साथ इनका आर्म्स एम्बार्गो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो जो ईयू के डायरेक्टिव हैं, यूरोपियन यूनियन के डायरेक्टिव है, उसके हिसाब से जो आर्म्स एम्बार्गो है वो काफी कंट्रीज के साथ इनका चल रहा है, जिनको ये ऑफिशियली एंड कॉमर्शियली किसी भी तरह के जो हथियार हैं वो सप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा ईयू की रिस्ट्रिक्शंस हैं कई कंट्रीज के ऊपर, सैंक्शंस हैं, लाइकवाइज ईरान, इराक, लेबनान, सोमालिया, सीरिया, जिम्बाब्वे, ओके, तो इनके ऊपर भी सैंक्शन है। ओके, सो दीज वर द सैंक्शंस रिगार्डिंग यूएसए, यूके एंड यूरोपियन यूनियन। नाउ लेट अस लुक एट द रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रीज। सो रिस्क जो है रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग, ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं कि किस डिग्री पर रिस्क एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ, ठीक है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है एंड जो टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग का जो रिस्क है, मोस्ट प्रोबेबली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कंट्री में KYC AML को लेकर, AML CFT को लेकर, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग एंड जो काउंटर ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं इस रिस्क को। यानी कि किसी भी कंट्री में जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग का जो रिस्क है, अगर आपने उसको इफेक्टिवली मैनेज करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है, जो भी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन है वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर, यानी कि पैसा कितना लॉन्डर हो रहा है या फिर मनी किस तरह से क्राइम्स के थ्रू जनरेट हो रही है, आर्म्स ट्रैफिकिंग के थ्रू कितना पैसा जनरेट हो रहा है, अमाउंट ऑफ रैनसम मनी कितना रेज किया जा रहा है, टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट कितने हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं किसके? मनी लॉन्ड्रिंग के एंड टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग के। तो अगर यहां पर इस तरह के जो गाइडलाइंस हैं, इस तरह के जो फीचर्स हैं आप गेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो कंट्री है वो क्या है? नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है। कंट्री इज अ नॉन कोऑपरेटिव कंट्री, वो FATF के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रही है कि वो इस तरह का जो डाटा है वो वहां से निकाल पाए, ठीक है। तो किसी कंट्री के अगेंस्ट तो हम उसके भीतर जाके तो डाटा ले नहीं सकते हैं, तो इनडायरेक्ट फैक्टर्स रहते हैं। तो देयर आर इनडायरेक्ट फैक्टर्स जिससे हम जज कर सकते हैं, डेट इज इनडायरेक्ट फैक्टर क्या है? FATF लिस्टिंग। तो ये क्या है?
FATF लिस्टिंग हो सकती है जिसके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि ये कंट्री में जो पोजीशन है मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को लेकर या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग के रिस्क को लेकर वह कैसी है। तो FATF लिस्टिंग हो सकती है या फिर जो वेरियस कंट्रीज की सैंक्शंस हैं कि किसी और कंट्री ने एम्बार्गो कर रखा है या फिर कोई सैंक्शन लगा रखी है उससे भी रिस्क के बारे में पता लगता है। तो जितने भी हमने पीछे सैंक्शन पढ़ी तो उसमें कॉमन नेम कौन से थे, लीबिया था, ईरान था, सोमालिया था, ठीक है, ये कॉमन नेम्स है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर है ना कि वो कंट्री जो है वहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग का जो रिस्क है वो ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रग है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो कितने हद तक की जा रही है, यानी कि ह्यूमन लोग देह व्यापार ड्रग का जो स्थानांतरण हो रहा है इधर से उधर, जो यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है वो किस हद तक हो रही है, टेररिज्म सेंसिटिव एरिया है या नहीं है, नॉन टेररिज्म लोकेशन है या नहीं है। तो इस तरह के पैरामीटर्स के बेस पर जो कंट्रीज हैं उन्हें 3 से 5 रिस्क कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सो इट वॉज ऑल रिगार्डिंग द कंट्री रिस्क।